नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव 7। बिहार में लगातार बदलते राजनीति के बीच अब राजनीतिक के नए समीकरण भी बनते नजर आ रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि बिहार चुनाव के समय से लेकर जो लगातार उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार पर तंज कसते नजर आ रहे थे, अब चुनाव के नतीजे आने के बाद कुछ बदलते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें उपेंद्र कुशवाहा जहाँ पे 100 से अधिक सीटों पर अकेले लड़े थे और उनको एक भी सीट नहीं मिली थी, इसके बाद जब से नतीजे आए हैं उनके भाव जो है वो नीतीश कुमार को लेकर कुछ बदले में नजर आ रहे हैं। जी हाँ, इसी को लेकर राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा है। कल उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार से मुलाकात की है, आइए देखते हैं इस पे एक रिपोर्ट। सूबे की राजनीतिक गलियारों में इन दिनों यह चर्चा जोरों पर है कि आरएलएसपी सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा फिर एक बार सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हाथ मिला सकते हैं। 2 दिसंबर को उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश कुमार से आवास में मुलाकात की थी, जिसके बाद कयासों के बाजार लग गए हैं। सूत्रों के मुताबिक मुलाकात के पहले नीतीश कुमार ने फोन पर उपेंद्र कुशवाहा को तेजस्वी से विवादित बयान पर उनके समर्थन में बयान देने के लिए धन्यवाद दिया था। फोन पर बातचीत होने के बाद कुशवाहा और नीतीश के मुलाकात करने का समय निर्धारित हुआ। उपेंद्र कुशवाहा ने 2 दिसंबर को मुख्यमंत्री आवास पर आकर उनसे मुलाकात की। सीएम नीतीश से मुलाकात के बाद की पुष्टि खुद उपेंद्र कुशवाहा ने की है। फिलहाल कुशवाहा अपने गांव जंधा में हैं। हालांकि चुनाव हारने के बाद सीएम नीतीश के पुराने लव को समीकरण को फिर से एक बार जोड़ने की अटकलें तेज हो गए हैं। सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक कल देर रात सीएम हाउस में उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है। जाहिर है जब मुलाकातें होंगी तो बातें भी बनेंगी और इसके नई दोस्ती बनने को लेकर जदयू को कुछ खास बोलते नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो भी नज़र आ रहा है इसके हिसाब से साफ पता लगाया जा सकता है कि दोनों की जो नाराज़गी थी अब दोस्ती में बदल सकती है। हमेशा से ही नीतीश कुमार से उपेंद्र कुशवाहा की दोस्ती के जो चर्चे हैं वो लगातार सुनने को मिलते हैं। क्या एक बार फिर से कल हुई मुलाकात के बाद उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार फिर से साथ नजर आएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहें सनमार्ग लाइव 7 के साथ। धन्यवाद।